लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी कमजोर होती दिख रही है। भले ही एनडीए गठबंधन ने सहयोगियों की मदद से सरकार बना ली हो, लेकिन इंडिया गठबंधन 234 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस बार बीजेपी सरकार बैसाखी पर है। सरकार बनने के बाद से ही एनडीए में खटपट की खबरें सामने आ रही हैं और अब महाराष्ट्र में एनडीए टूटता दिख रहा है। इस बीच अजीत पवार का बड़ा बयान सामने आया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। तो क्या कुछ कहा अजीत पवार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को सबसे बड़ा नुकसान यूपी के अलावा महाराष्ट्र में भी हुआ है, जहां बीजेपी को तो नुकसान हुआ ही, साथ ही इसकी सहयोगी पार्टियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एनडीए की सहयोगी पार्टियों में शामिल एनसीपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। एनसीपी ने महज एक सीट ही जीती थी, जिसके बाद से अजीत पवार की एनसीपी ने बीजेपी से दूरी बना ली। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में महायुति को मिली कम सीटों को लेकर बयानबाजियां जारी हैं। इस बीच अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए प्याज को वजह बताया है। अजीत पवार ने कहा कि महायुति की सरकार किसानों को संतुष्ट करने वाला कोई रास्ता नहीं निकाल पाई है। इससे एनडीए गठबंधन को चारों जिलों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। चुनाव से पहले ही केंद्र सरकार को जानकारी दे दी गई थी कि प्याज के मुद्दे का समाधान निकालना जरूरी है। चुनाव के बीच प्याज का मुद्दा जोर पकड़ने लगा था। प्याज पर प्रतिबंध की वजह से दाम कम हो गए थे और इस वजह से किसान नाराज थे। हमने केंद्र सरकार को ऐसे उपाय बताए थे जिससे किसान खुश हो सकते थे, हालांकि इस पर ध्यान ना देने की वजह से नुकसान झेलना पड़ा है। किसानों की नाराजगी गठबंधन पर काफी भारी पड़ गई। विशेषज्ञों की माने तो प्याज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक क्षेत्र में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। बता दें कि हाल ही में संघ ने हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।